नमस्कार बच्चों, मैं द बिलिंग स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और आज हम बात कर रहे हैं मांग की। और मांग का ही हमारा चैप्टर वीडियो चैप्टर जो बन रहा है वो फिफ्थ पार्ट है। और फिफ्थ पार्ट में आज हम ये पढ़ रहे हैं कि मांग क्या होती है और उसके निर्धारक तत्व कौन से होते हैं और मांग का जो ग्राफ होता है वो ऋणात्मक होता है, उसका निर्धारण निश्चित तौर पर होता है। तो आज हम ये तीन कॉन्सेप्ट जो पूरा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन का अर्थ क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से समझें कि बाजार की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को बाजार मांग फलन कहा जाता है, यानी ऐसे कारक जिससे बाजार की मांग प्रभावित हो जाए। तो होता क्या है बच्चों कि मांग को, बाजार मांग को मैं यहाँ पे डी एक्स एम के डी द्वारा दिखा रहा हूँ, जिसके द्वारा मैंने एफ को फलन, पी एक्स कीमत, पी आर रिलेटेड गुड, वाई आई पी टेस्ट, ई ई एक्सपेक्टेशन, एन बढ़ती जनसंख्या नंबर ऑफ पॉपुलेशन, एंड वाई डी आय का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात होती है। तो हमारे जो आगे के पॉइंट है बच्चों, ये मैं पिछली वीडियो में व्यक्तिगत मांग मात्र में दिखा चुका हूँ, व्यक्तिगत मांग फलन में बता चुका हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं एन और वाई डी की। तो जो एन और वाई डी होते हैं, जो एन और वाई डी होते हैं वो बढ़ती जनसंख्या के ऊपर होता है। तो पहले बात करते हैं बढ़ती जनसंख्या। बेटा जिस क्षेत्र की जनसंख्या लगातार बढ़ती रहती है उस जगह की जो मांग है वो भी बढ़ती जाती है। पर यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी होती है कि जनसंख्या कैसी बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में औरतों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे जो सामान मिलेगा वो औरतों की डिमांड का ज़्यादा मिलेगा। बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे जो सामान मिलेगा बच्चों की जनसंख्या का ज़्यादा मिलेगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है आय का वितरण। आय के वितरण का मतलब होता है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपकी आय एक समान वितरित होती है तो आपकी डिमांड ज़्यादा होती है, पर अगर आय का वितरण असमान होता है तो डिमांड कम हो जाती है। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझें। मैंने कहा कि मेरे पास चार लोग हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, इनकी आय जो है वो एक समान है, ₹500, ₹500, ₹500 और ₹500। मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत ₹300, तो ये सब खरीद सकते हैं। पर मैंने कहा नहीं जी, अब इनकी इनकम है मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा ए की इनकम है मान लो ₹100, बी की इनकम है मान लो ₹200, सी की इनकम है ₹300 और डी की इनकम है ₹400। प्रोडक्ट है ₹300 का, तो कौन खरीद सकता है केवल सी और डी, तो मांग अपने आप कम होगी। तो यानी कि जब आय में फर्क होता है तो मांग भी कम हो जाती है। तो यहाँ तक हमारा पहला कॉन्सेप्ट पूरा होता है। अब बात आती है मांग का नियम। बताओ बेटा मांग का नियम क्या होता है। अन्य बातें समान रहने पर कीमत में और मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, यानी कि कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत के कम होने पर मांग बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, अन्य बातें समान रहने पर, इसका क्या अर्थ है बेटा। जो हम व्यक्तिगत फलन पढ़ते हैं और बाजार फलन पढ़ते हैं उन्हें अन्य बातें कहा जाता है। अन्य बातों का मतलब प्रमुख संबंधित वस्तुओं की कीमत, ठीक है, व्यक्ति की आय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, टेस्ट यानी रुचि, प्राथमिकता, ये सब हमारी अन्य बातों के अंदर आ जाती है। जब वो स्थिर होती हैं तभी मांग का नियम कार्य करता है। और मांग के नियम के अनुसार कीमत और मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है, जिससे हमारा ये ग्राफ तैयार होता है। आप अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो आपको दिखाएगा कि पहली कीमत है जिस पर हमारी मात्रा की बढ़ी, पर अगर कीमत बढ़ गई पी से पी वन हो गई, जो कि आपने नीला पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है, तो आपकी जो मात्रा है वो पीछे की ओर चली जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, क्यों हो। तो हमें यहाँ पे एक ऋणात्मक संबंध दिखाई देता है। तो इसके ऊपर एक अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, इसका ढलान नीचे की ओर क्यों है। तो बेटा इसका ढलान नीचे की ओर होने के कारण कुछ मुख्य होते हैं, तो वो कारण है हमारे निम्नलिखित, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसके कारण। तो हमारे यहाँ तीन क्वेश्चन हमने लिए हैं। पहला क्वेश्चन है मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है, दूसरा क्वेश्चन है कीमत के बढ़ने पर मांग क्यों कम होती है, तीसरा क्वेश्चन है कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध क्यों होता है। तो यहाँ पे हम आंसर देते हैं तीनों क्वेश्चनों का, सेम आंसर होता है बेटा। तो आंसर होता है कि सबसे पहला पॉइंट हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। मांग वक्र ऋणात्मक होने का पहला कारण होता है कि इसमें हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू हो जाता है, जिसके अनुसार जब किसी वस्तु का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। जब सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी तो जो वक्र है वो नीचे की ओर जाने लगेगा, यानी हम पहले से कम पैसे उस पर खर्च करेंगे, तो इसलिए इस पर ऋणात्मक प्रभाव को देखा जा सकता है, इसलिए मांग वक्र ऋणात्मक होता है। दूसरा आता है आय प्रभाव। बेटा यहाँ पे जो आय प्रभाव बताया जाता है वो इसलिए बताया जाता है कि अगर एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उससे व्यक्ति की प्रोज्य आय बढ़ जाती है। तो प्रोज्य आय क्या होती है, प्रोज्य आय वह आय होती है जिसमें से इनकम टैक्स को माइनस कर दिया जाता है और खर्च करने के लिए हमारे पास बचती है। तो जो प्रोज्य आय होती है उसके अंदर से हम क्या करते हैं, हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जो वस्तु सस्ती हो गई। इसका मैं एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मैंने कहा मेरी इनकम थी ₹100 और मैं ₹50 दो वस्तुओं में खर्च कर रहा था। अब एक वस्तु जो है उसकी कीमत ₹30 हो गई
तो मेरी जो 20 रुपए एक्स्ट्रा बचे बेटा, उससे मेरी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर? चाहे वो वस्तु ए के लिए हो, चाहे वो वस्तु बी के लिए हो, क्लियर? तीसरा पॉइंट आता है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव वह प्रभाव होता है जिसमें एक वस्तु की कीमत का प्रभाव दूसरी वस्तु की मात्रा पर पड़ता है। यदि प्रतिस्थापक वस्तु सस्ती हो जाए तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ऐसे समझ सकते हैं चाय और कॉफी, अगर कॉफी सस्ती हो जाए तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, क्लियर है? तो एक वस्तु की मात्रा का ऋणात्मक संबंध है, तो इसलिए इसका वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक। इसलिए मांग वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक। अगला आता है उपभोक्ता समूह का आकार। बेटा उपभोक्ता समूह का आकार किस तरीके से होता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो लोग, जो लोग उसको पहले प्रयोग नहीं करते थे, उस वस्तु को प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो इसकी वजह से उपभोक्ता की संख्या तो बढ़ती चली जाती है और कीमत कम होने पर ऐसा होता है। तो देखो नेगेटिव रिलेशन है, कीमत कम होना, उपभोक्ता बढ़ जाना, तो ये कैसा ढलान बनेगा? ऋणात्मक ढलान, जिसकी वजह से मांग वक्र ऋणात्मक होता है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं। वह वस्तुएं जिनके एक से अधिक उपयोग होते हैं, दूध, बिजली, ऐसी वस्तुएं जिनके एक से अधिक उपयोग है, तो इनकी जब कीमत कम होती है तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है। दूध से दही बनेगा, छाछ बनेगा, ठीक है, बिजली से हीटर चलाओगे, एसी चलाओगे, तो जब इनकी कीमत कम होगी लोग उसका उपयोग ज्यादा ज्यादा करना शुरू कर देंगे। तो इसमें भी कैसा संबंध है? ऋणात्मक संबंध है। इसमें मांग वक्र कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, क्लियर है बात? तो ये वो कारण है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक या नीचे की ओर क्यों होता है, क्लियर? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं गौरव त्यागी, डबल इंडस्ट्री से।